कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो हमारी स्पेशली सुपर टेट 2020-2021 के लिए है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो कल की हम लोगों ने वीडियो देखी थी इंटरनेट की, उसका जो बचा हुआ पार्ट था सेकंड पार्ट यानी कि भाग दो वो देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी कि नेटवर्क के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको वैसे अगर किसी जनरल बुक में देखेंगे तो आपको नेटवर्क के 15 प्रकार मिल जाएंगे, बट अगर किसी अच्छी बुक में देखेंगे तो नेटवर्क के आपके मेन 3 प्रकार होते हैं, आपके लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। तो 3 प्रकार के आपके टोटल ये नेटवर्क के टाइप होते हैं। बाकी और जो आपको नेटवर्क के टाइप देखने को मिलेंगे वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं के अंदर आते हैं बाकी सब। मेन ये 3 नेटवर्क के टाइप होते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि वेब पेजेस क्या होते हैं, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है और ब्राउजर क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं लैन क्या होता है। दोस्तों अब इसके बाद हम देखते हैं लैन। लैन का जैसे मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, तो साइबर कैफे लगभग सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसा होता है। वहां पे एक सिस्टम होता है, इस तरीके से कई सिस्टम होते हैं वहां पे, 8-10 सिस्टम जैसे भी जिस हिसाब का साइबर कैफे हो आपका उसी हिसाब से। उसके बाद देखिए तो आप ध्यान से अगर देखेंगे वहां पे जाके तो सभी सिस्टम जो होते हैं वो एक दूसरे से एक वायर से जुड़े रहते हैं। अलग अलग सभी के लिए अलग अलग इंटरनेट नहीं लिया जाता, वहां पे सभी जो सिस्टम होते हैं एक दूसरे से वायर से जुड़े होते हैं। और आपने देखा होगा कि साइबर कैफे में सिस्टम तो 8-10 होते हैं, बट यहाँ पर अगर स्कैनर देखा जाए या फिर प्रिंटर देखा जाए तो एक या फिर दो ही होता है। और काफी ज्यादा यहाँ पे साइबर कैफे में आजकल तो हार्ड डिस्क भी एक ही सिस्टम में लगा रहता है। सारे सिस्टमों का जो हार्ड डिस्क होता है वो एक ही सिस्टम में लगा होता है, वो सारे सिस्टम उस हार्ड डिस्क से HDDC यानी हार्ड ड्राइव डिस्क से कनेक्टेड होते हैं। तो इससे ये फायदा होता है कि आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के अगर कोई भी किसी भी सिस्टम से आप प्रिंट देते हैं तो इसी प्रिंटर से होगा। किसी भी सिस्टम की मेमोरी खराब होगी तो आपको पता चलेगा कि यही मेमोरी आपकी खराब हुई है, बाकी सभी में अगर अलग अलग होगा तो आपको मेंटेनेंस के लिए अलग अलग सबका ध्यान रखना होगा। बट अगर एक ही जगह सारी चीजें स्टोर हो रही है तो आपको सिर्फ एक ही की मेंटेनेंस करनी होगी। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल साइबर कैफे। बट जो लैन होता है उसका उपयोग आप एक अगर बिल्डिंग है, एक कंपनी है या फिर एक अपार्टमेंट है तो वहां पे भी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा वहां पे भी लैन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है तो वहां पे अगर आप नेट इंटरनेट के द्वारा अगर कोई 100 MB की फाइल या फिर 1 GB की फाइल भेजना चाहें आप, तो इंटरनेट के थ्रू थोड़ा सा दिक्कत काफी टाइम लगता है उसमें। अगर 1 GB की फाइल है तो कितनी भी तेज स्पीड हो आपको कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा। परंतु अगर लैन का प्रयोग करें आप तो लैन के द्वारा आप 1 GB की फाइल भी आप विद इन सेकेंड भेज सकते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है वो 10 MB से लेके यानी कि मेगाबाइट से लेके आपका 1 GB तक यानी कि 1 GB, ये होता है मेगाबाइट, ये होता है जीबी गीगाबाइट। तो 10 MB से लेके 1 GB तक की फाइल आराम से बहुत तेजी से भेजी जा सकती है। तो ये काम होता है लैन का। और इसमें जो फाइलें भेजी जाती हैं ये जो वायर होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको मैं बता दूंगा आप लोगों को, इसको कहते हैं इथरनेट। इस वायर को कहते हैं इथरनेट जिसके द्वारा सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे ये हो गया आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके बाद हम देखते हैं मैन। मैन के बारे में भी देख लेते हैं कि मैन क्या होता है। मैन का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये काम क्या कैसे करता है और ये इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि जो मैन होता है वो आपका जो लैन है उससे थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क होता है, और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है यानी कि वैन उससे छोटा नेटवर्क होता है। तो ये बीच का नेटवर्क होता है, ना तो लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। और यहाँ पे जैसे एक लैन हो गया, ये कंप्यूटर का समूह हो गया, ये एक लैन हो गया, यहाँ पे एक लैन हो गया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, कई लैन मिलके जब एक एरिया का एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं, ये लैन है, ये लैन है और ये लैन है, और ये तीनों को मिलाने के बाद आपका जो बनता है वो उसको कहते हैं हम मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे एग्जांपल एक जैसे है आपका टेबल की भी, आपका जो
टीवी केबल वाला आता था पहले, अब तो डिश टीवी और डीटीएच सब के आने के बाद वो काफी कम कम हो गया वो मार्केट में, बट जो पहले आते थे वो इसी मैन के एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के कंडीशन पे ही चलते थे। तो मैन का एक अच्छा एग्जांपल वो है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो आपका मैक्सिमम 75 किलोमीटर यानी कि 75 किलोमीटर की रेंज में इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब 75 किलोमीटर के अगर कोई शहर है या कोई टाउन है तो उस पूरे टाउन को ये कवर कर सकता है मैन। और यहाँ पे मैंने आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में एक चीज यहाँ पे और नहीं बताया, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है यहाँ पे ये जो होता है लैन आपका ये सिक्योर होता है। क्यों सिक्योर होता है? क्योंकि ये आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक बिल्डिंग है, एक साइबर कैफे है, तो उसी के अंतर्गत काम करेगा, तो कोई बाहर का आदमी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जिसको इसका आईडी पासवर्ड एक होता है लैन का, जिसको आईडी पासवर्ड पता होगा वही इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकेगा और कोई बाहरी आदमी इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये थोड़ा सा सिक्योर होता है इसकी वजह से। और जो मैन होता है ये लैन से कम सिक्योर होता है, बट आपका वैन से ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि फिर भी ये बड़ा नेटवर्क है परंतु इसमें भी बाहर के जो लोग हैं उसमें कम एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि ये भी एक एरिया के अंतर्गत ही आता है, एक लिमिटेड एरिया है। तो ये थोड़ा सा आपसे लैन से थोड़ा सा कम सिक्योर होता है परंतु ये वैन से ज्यादा सिक्योर होता है। अब वैन का एक एग्जांपल यहाँ पे मैं और बता दूं कि जैसे कि एक सिटी में किसी भी कॉलेज का 2-3 जगह पे ब्रांच है, और उनका जो ब्रांच है लेकिन कॉलेज तो एक ही आदमी का है। अगर वो एक आदमी जो मालिक है वो तीनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बातचीत करना चाहे या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहे कंप्यूटर के द्वारा, तो यहाँ पे आपका मैन काम करता है, मैन के द्वारा तीनों कॉलेजेस के कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं चाहे वो कितनी भी दूरी पे हो 75 किलोमीटर के अंदर। तो यहाँ पे वो मालिक मैसेज भेजेगा और तीनों कनेक्टेड है तो एक साथ तीनों कंप्यूटर तीनों लोगों के पास तीनों प्रिंसिपल के पास एक साथ पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैन का प्रयोग यहाँ पे भी किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन, वैन का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, इसका जो मैं अगर एक वर्ड में इसका एग्जांपल बताऊं तो इसका एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, पूरी दुनिया के कंप्यूटर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनेट। वाइड एरिया नेटवर्क का जैसे इसका नाम ही है वाइड एरिया, मतलब वाइड मतलब बहुत बड़ा एरिया का नेटवर्क है। नेटवर्क सबसे पहले मैं बता दूं तो नेटवर्क अभी मैंने आपको नहीं बताया था नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क आप सभी को पता है एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ना होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के कंप्यूटर हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो वहां पे कंप्यूटर का नेटवर्क बनता है। और ये वाइड एरिया के लिए कनेक्ट होती हैं, पूरे विश्व में कहीं से भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, यहां तक कि ये सेटेलाइट के द्वारा भी हमारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इसकी जो डिस्टेंस होती है कनेक्शन की ये होती है 1,00,000 किलोमीटर तक ये कनेक्ट होती है, यानी कि जितनी डिस्टेंस हमको मिनिमम डिस्टेंस हमारी एक दूसरे सेटेलाइट से पृथ्वी तक की होती है। तो ये होता है वैन। और यहां पे अगर मैं बता दूं कि वैन का जो डेटा रेट होता है यानी कि डेटा रेट कह सकते हैं तो पैसा एक डाटा जैसे आपको आप खरीदते हैं इतने MB डाटा इतने रुपए का, तो इसका जो डेटा रेट होता है डेटा रेट ये थोड़ा सा मैन से और लैन से महंगा होता है तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए ये जो कंपनीज होती हैं छोटा ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो वो वैन का प्रयोग नहीं करता, सीधे लैन का प्रयोग करता है जिससे डाटा ट्रांसफर आसानी से हो जाए, तेज होता भी है और सस्ते भी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहां पे। बट वहां पे जो होता है एक बार इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लगानी होती है कि एक बार पूरा वायर एक दूसरे कंप्यूटर से जोड़ दिया जाए, इतना काम पड़ता है वहां पे, तो वहां पे बस एक बार खर्च आता है। यहाँ पे वैन में क्या होता है कि जब तक आपका डाटा रहेगा आप जितने MB डाटा है उतना डाटा यूज कर लेंगे, फिर से आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो उसको पैसे देने होते हैं। और वो पैसे क्यों देने होते हैं यहाँ मैं बता दूं, इंटरनेट तो फ्री होता है किसी से पैसे लेने की जरूरत होती नहीं है तो यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, परंतु यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे पैसा क्यों लिया जाता है और कितना कॉस्टली क्यों है। तो जो इंटरनेट आता है अमेरिका के द्वारा, हम मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो पहली वीडियो जो इंटरनेट की पहली वीडियो थी, जो इंटरनेट हमारा आता है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर के जरिए समुद्र के नीचे से आता है। तो समुद्र के नीचे से जब आता है तो वो क्षतिग्रस्त होता है, टूट जाता है, कभी कभी आप जानते हैं कि जहाज जाते हैं तो उनके जो लंगर होते हैं अब वो भी समुद्र में चल रहे हैं और हमारा वायर भी समुद्र में गया है, तो जो ये लंगर होते हैं इसमें फंस के कभी कभी ये वायर टूट जाते हैं।
तो जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी रखरखाव के लिए एक टीम बनाई गई, कई टीमें बनाई गई हैं जो 24 घंटे इसकी रखरखाव करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। तो उनके ऊपर जो कॉस्ट आता है, उसकी कॉस्ट की वजह से हमारा जो हम नेट पैक डलाते हैं, पैसे जो हम इंटरनेट के लिए पैसे खर्च करते हैं, तो ये पैसे उनके लिए खर्च होते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट इतना महंगा है। और यहाँ पे जो इसका कवरेज एरिया है, मैंने आपको बताया पूरा, आपका पूरा वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो एक दूसरे से पूरा एरिया, ये पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया वैन में। और इसमें एक कुछ एग्जांपल और है, मैं बता दूं कि जो एटीएम होते हैं वो भी आपका वैन से जुड़े होते हैं, आपका जो मोबाइल फोन होता है या फिर लैंडलाइन फोन होता है, ये सारी चीजें आपके वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। तो अब दोस्तों यहां तक हमने देख लिया नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं, लैन, मैन, वैन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंटरनेट के द्वारा हमको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर क्या होता है, ये सारी चीजें देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे आईकैन, इसको पढ़ते हैं आईकैन। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग है ICANN, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसका फुल फॉर्म काफी टाइम्स एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका फुल फॉर्म बनता है, इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो है एक गैर सरकारी और इसकी एक खास बात और है कि ये गैर लाभकारी भी है, मतलब कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करती है। तो ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी भी है कंपनी। और इसका काम क्या है, पहले मैं बता दूं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना इसकी हुई थी 1998 में, और कहां हुई थी, तो ये अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुई थी इसकी स्थापना 1998 में। और ये क्या काम करती, तो ये जो आईकैन है, ये आपकी जो इसका उद्देश्य है सुरक्षित इंटरनेट, यहां पे मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग सुरक्षित इंटरनेट सेवा आप तक पहुंचाना, सुरक्षित इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करना या फिर पहुंचाना, सेवा देना, आईकैन ही ये ध्यान देती है इन सब सारी चीजों के बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया आईकैन के बारे में, इतना ही इम्पोर्टेंट था आईकैन से रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे DNS, ये काफी इम्पोर्टेंट, इसका भी फुल फॉर्म बनता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका क्या फुल फॉर्म होता है। इसका होता है डोमेन नेम और इसका हो जाएगा सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो यहां पे मैं आपको हिंदी में भी लिख के दिखा देता हूं, डोमेन नेम सिस्टम, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, तो मैं बहुत संक्षेप में इसका कार्य बता दूंगा आपको, क्योंकि फुल फॉर्म इसका काफी बार पूछा जा चुका है, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसका कार्य सिर्फ मैं एक दो लाइन में आपको डिफाइन कर देता हूं कि जो DNS होता है, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो डोमेन नेम को IP एड्रेस, यानी कि जो नंबर फॉर्म में, कंप्यूटर हमारे हिंदी को या फिर इंग्लिश को तो समझता नहीं है, जो इसके हिंदी और इंग्लिश के पीछे कोडिंग होती है, सभी चीज को आप अगर D लिख रहे हैं तो इसके पीछे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कुछ 0101 इस तरीके की कोडिंग होगी। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं इंटरनेट के थ्रू या फिर किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे कुछ इस तरीके से IP एड्रेस होती है, इस तरीके से कोई IP एड्रेस जुड़ा होता है इससे, सभी सिस्टम से IP एड्रेस, ये हो गया IP, ठीक। तो जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये इस IP एड्रेस को, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, एक नेम देता है, यानी कि इसको एक नाम देता है, नाम से जोड़ता है। तो जैसे कि आप लोग अगर गूगल पे या किसी जगह पे सर्च करते हैं, तो आप ये इस तरीके से सर्च करते नहीं हैं, आप सिर्फ करते हैं, सिर्फ गूगल सर्च किए और वो गूगल सर्च करते ही आपको वो डोमेन नेम जो सिस्टम होता है वो
इस नेम से जो भी आईपी एड्रेस कनेक्टेड होगा उस आईपी एड्रेस पे जो भी चीज वेबसाइट पड़ी होगी, जो भी सॉफ्टवेयर पड़ा होगा वो आपके सामने लाके रख देता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम सिस्टम करता क्या है। तो इसका जो मेन काम है वही यही काम है कि ये आपके आईपी एड्रेस को एक नाम देता है और ये सारी जो सुविधाएं हैं आप ब्राउजर के थ्रू, ये ब्राउजर या फिर आप ब्राउजर में ही आप अगर कोई सर्च इंजन खोलते हैं तो वहां पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो आप तक वो आईपी एड्रेस का नेम पहुंचाता है। अब इसके बाद डीएनएस भी हो गया। अब डीएनएस के बाद हम देखते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन के जो टाइप होते हैं, कितने टाइप के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे तो इंटरनेट के जो कनेक्शन टाइप होते हैं काफी 10-11 टाइप के होते हैं, 15 टाइप के लगभग होते हैं। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो कनेक्शन टाइप है वो जो परीक्षा के हिसाब से वो दो कनेक्शन टाइप आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला होता है यहाँ पे कनेक्शन का टाइप डायल अप। इसको अगर हम ये बता दें आपको हिंदी में लिख के दिखा दें तो यहाँ पे डायल अप इसको कहते हैं। और दूसरा है इसका जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ब्रॉड बैंड। ये होता है आपका एक पहला हो गया डायलअप और दूसरा हो गया ब्रॉडबैंड। तो ये इसको भी मैं लिख देता हूं, ब्रॉडबैंड को भी हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों को, जिससे कोई दिक्कत ना आए ब्रॉडबैंड समझने में भी, ब्रॉड बैंड। और यहाँ पे डायल अप की जो स्पीड होती है मैक्सिमम स्पीड, ये थोड़ी सी स्लो होती है, इसकी जो मैक्स स्पीड होती है यहाँ पे मैं मैक्स लिख देता हूँ, मैक्स स्पीड जो होती है वो 56 kbps यानी कि किलोबिट पर सेकेंड। और जो आपका ब्रॉडबैंड होता है इसकी जो मैक्स स्पीड होती है, मैक्स स्पीड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, तो ये होता है 512 kbps से लेके आपका 100 mbps तक। ये इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो इंडिया से रिलेटेड ही पूछेगा। तो यहां पे हमने देख लिया कि आईकैन क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। अब इस कनेक्शन टाइप में जो ब्रॉडबैंड का होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं क्योंकि आजकल आप लोगों को इंटरनेट की स्पीड तेज चाहिए होती है। और यहाँ पे जो ये kbps लिखा होता है इसका, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो किलोबिट पर सेकंड जो है, तो इतने जो इसका वेटेज होता है किलोबाइट मेगाबाइट, ये डाटा के भार एक तरीके से समझ सकते हैं कि किलोग्राम मिलीग्राम की ग्राम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक सेकंड में ये इतने 512 किलोबाइट का डाटा सेंड कर सकता है। तो ये मैं आप लोगों को ये बता दिया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो ये ब्रॉडबैंड होता है वो दो तरीके का होता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। और उससे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको सर्वप्रथम बनाया किसने था। तो इसको बनाया था टिम बर्नर्स ली। इनको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, टिम बर्नर्स ली। अब ये बनाया कब था, तो ये बनाया था इन्होंने 1989 में, यानी कि 1989 में। तो ये यहाँ पे दो प्रश्न आपके तैयार हो गए। अब इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, तो ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW आपका जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स का एक समूह होता है। डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है, इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद ये आपका आपने वेबसाइट एक यूआरएल यहां पे मैं लेके दिखा देता हूं, यूआरएल क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूं। तो ये आपका इस तरीके से लिखा रहता है HTTP, ये दो कोलन रहते हैं, ये दो लाइनें हैं। उसके बाद www. यहां पे मैं गूगल ले लेता हूं, google.com। ये आपका पूरा का पूरा जो चीज है, ये पूरा का पूरा इसको कहते हैं हम URL। अब URL क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं, फुल फॉर्म इसका बता देता हूं मैं आप लोगों को। तो जो URL का फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहां पे ये प्रश्न भी आपका तैयार हो जाएगा, यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, यानी कि एक स्पेसिफिक रिसोर्स को जो दर्शाता है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हो गया आपका यूआरएल का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे ये पूरा जो मिलके बनता है ये होता है यूआरएल। अब यहाँ पे जो ये चीज है एचटीटीपी, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट आपका WWW से जो कनेक्ट होता है वो आपका ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नियम होता है, उसके द्वारा ही यहाँ पे WWW से इंटरनेट की कनेक्टिविटी यानी कि जुड़ना जुड़ाव होता है इससे। तो इसका मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हो गया आपका HTTP का। WWW का मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और यहाँ पे जो गूगल होता है ये क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको कि ये होता है आपका डोमेन नेम। अभी मैंने बताया कि DNS क्या होता है, उसी से संबंधित है। तो यहाँ पे किसी IP का ये नाम दे दिया गया, डोमेन नेम दे दिया गया है गूगल। और यहाँ पे जो कॉम लगा है वो उसका क्या अर्थ होता है, तो कॉम का जो अर्थ होता है वो होता है कॉमर्शियल। ये एक तरीके के डोमेन का टाइप है, मतलब किस टाइप का डोमेन है। आपने देखा होगा कि .gov होता है कहीं पे, .nic होता है, .org होता है, तो ये आपके डोमेन के टाइप को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये गूगल जो है वो कॉमर्शियल टाइप की वेबसाइट है, यहाँ पे ये डिफाइन करता है। इसको कह सकते हैं आप TDL कहते हैं इसको, TLD इसको कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन, ये डिफाइन होता है इससे। तो आपको आशा करता हूँ आपको पूरा URL किस किस चीज से मिलकर बनता है आपको सारे चीज समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हो गया हमारा WWW भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे निकल के आई कि वर्ल्ड वाइड वेब है, यहाँ पे WWW है, तो यहाँ पे जो इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है मैंने बताया। तो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो किस क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं आपके, टेक्स्ट हो सकते हैं, लिखा हुआ कुछ हो सकता है, या फिर कोई इमेज हो सकती है, फोटो किसी की हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, आप अभी वीडियो देख रहे हैं इस तरीके, यही एक एग्जांपल हो गया, कुछ भी हो सकता है जो आप इंटरनेट पे के द्वारा देख सकते हैं। और ये जो चीजें होती हैं ये आपका पेज के रूप में वहां पे पड़ी रहती है इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, और वो आपका HTTP के थ्रू आपका इंटरनेट से कनेक्ट होके आपके सामने दिखती हैं आपके। तो यहाँ पे एक चीज बन के आता है कि वेब पेज क्या होता है। तो यहाँ पे जो सारे पेज आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे उपस्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेब पेज। जितने भी पेज आपके वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पे हैं वो सारे कहे जाएंगे क्या, वेब पेज। अब यहाँ पे एक चीज और है कि किसी यहाँ वेब पेज क्या होता है बता दिया मैंने। अब यहाँ पे इसी के बाद आता है एक वेबसाइट, वेबसाइट। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है आपका वेबसाइट से कि वेबसाइट होम पेज क्या होता है। तो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, जैसे आपके घर का एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपका एक घर होगा तो उसका एक मेन दरवाजा होगा, फ्रंट डोर जिसको कहते हैं, उसी प्रकार से किसी भी वेबसाइट का एक जो मेन पेज होता है जहां पे आदमी सबसे पहले जाता है उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज। ये प्रश्न आ चुका है तो ये ध्यान दीजिएगा कि होम पेज किसको कहते हैं। वेबसाइट के जो मेन पेज होता है जिसपे आदमी सबसे पहले विजिट करता है यानी कि जाता है उसको कहते हैं हम होम पेज। ये हो गया आपका वेबसाइट से रिलेटेड चीजें, वेब पेज से रिलेटेड चीजें और होम पेज से रिलेटेड चीजें। अब होम पेज पे भी आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे देता हूं। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा होता है यहाँ पे होम, यहाँ पे लिखा रहता है अबाउट, यहाँ पे लिखा रहता है आपका कॉन्टैक्ट, ठीक। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, किसी पे भी क्लिक करते हैं तो आप कॉन्टैक्ट पे पेज पे चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट के पेज पे चले जाएंगे। तो ये किस तरीके से किस वजह से होता है, तो यहां पे लगाया जाता है हाइपर लिंक, हाइपर लिंक।
हाइपरलिंक यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि हाइपरलिंक किसी वेब पेज पे, ये आपका वेब पेज ही होगा, आपने वो ओपन किया तो ये वेब पेज ही होगा एक तरीके से। वेब पेज के ऊपर हाइपरलिंक लगे होते हैं जिससे आप जिसपे क्लिक करने से किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपरलिंक। तो ये हो गया आपका हाइपरलिंक भी। अब इसके बाद हम देखते हैं ब्राउजर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ पे अब हमारा आज का इंटरनेट का लास्ट टॉपिक है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन से वेब ब्राउजर इस समय अवेलेबल है। तो यहाँ पे देख लीजिए, वेब ब्राउजर जो होता है वो www से जितने भी www पे यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे पेज होते हैं यानी कि वेबसाइट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं वेब पेज होते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए या उन तक पहुंचने के लिए हम वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। वेब ब्राउजर हमारे मोबाइल, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कहीं पे भी इंस्टॉल होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम वेब www पे जहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े रहते हैं, वेब पेज, वीडियो, सॉन्ग्स, सारी चीजें देखने के लिए प्रयोग करते हैं वेब ब्राउजर का। यहाँ पे एक तरीके से हम यहाँ पे क्लाइंट सर्वर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा अगर सर्वर आपका www है, www, तो हमारा जो वेब ब्राउजर है वो क्लाइंट की तरह काम करता है। क्लाइंट जब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब ब्राउजर के द्वारा www पे, तो www जिस चीज की रिक्वेस्ट भेजते हैं वो सर्च करता है, अब वो सर्च करने के बाद वापस हमारे सिस्टम पे यानी कि वेब ब्राउजर पे पहुंचाता है। तो ये काम होता है वेब ब्राउजर का। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वेब ब्राउजर से वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न बनता है आपका इंपॉर्टेंट कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, पहला था यहाँ पे मोजैक वेब ब्राउजर जो था वो फर्स्ट पहला वेब ब्राउजर था, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर्स के नाम देख लेते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है जो हमारा नाम वो आता है गूगल क्रोम, सभी ने इसको देखा होगा। गूगल क्रोम हो गया। अब दूसरा यहां पे आता है जो सेकंड नंबर पे कहा जा सकता है उसको, ये होता है फायरफॉक्स। ये हो गया दो आपके इंपॉर्टेंट। उसके बाद तीसरा आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा है आपका सफारी कह सकते हैं, आपका ये एप्पल का है। और उसके बाद है पांचवा, इसको कह सकते हैं आप, ये भी है इंपॉर्टेंट, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर। बैकग्राउंड की आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा, पास में पेड़ है उस पर मोर बैठा हुआ है तो वो काफी आवाज करता है। ये हो गए पांच आपके। उसके बाद आप देख सकते हैं एक आता है आपका ओपेरा, उसके बाद और भी हैं यहाँ पे मैं बता दूं, MX5 करके है, मैक्सटन कहते हैं इसको, MAX मैक्सटन। उसके बाद यहाँ पे एक आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज, ये काफी अच्छा वेब ब्राउजर अभी निकल के आया है, काफी नया है बट ये अच्छा है, काफी फास्ट काम करता है। उसके बाद एक और मैं बता देता हूं आपको, ब्रेव है। ये सारे आपके वेब ब्राउजर हैं, अलग अलग टाइप के वेब ब्राउजर हैं, और इस समय जो वेब ब्राउजर आ रहे हैं आपके वो सभी फुल्ली लोडेड होते हैं, मतलब उसमें किसी प्रकार की जरूरत और किसी अन्य सॉफ्टवेयर की, मतलब जैसे कि पहले क्या होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आप यूज करते तो आप कोई फ्लैश प्लेयर की फाइल अगर आपके वेब ब्राउजर पे लोड हो रही तो वो लोड नहीं होती थी, लिख के आता था फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के लिए। तो वो फ्लैश प्लेयर क्या होता है, तो वो एक तरीके का प्लगइन होता है, प्लगइन जो कि वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है कुछ स्पेशल टाइप के चीजों को चलाने के लिए, जैसे वीडियो चलाने के लिए फ्लैश प्लेयर की जरूरत पड़ती है कभी कभी। लेकिन अब के जो जितने भी वेब ब्राउजर आ रहे हैं खासतौर से गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, ये सारे आपके सभी प्लगइन्स इसमें पहले से ही इंस्टॉल रहती हैं, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, जिस वजह से ये अच्छी मानी जाती हैं। तो ये हो गया वेब ब्राउजर आपका, और आशा करता हूँ आप लोगों को सारी डिटेल यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इसको नोट कर लीजिएगा कि जितने भी प्रकार के मैंने यहाँ पे वेब ब्राउजर मैंने बताए हैं आपको, और पहला जो हमारा वेब ब्राउजर था वो था मोजैक, तो इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। और अब मिलते हैं मंडे को, कल आप लोग पूरी जितनी भी मैंने वीक में आप लोगों को पढ़ाया उसको रिवाइज करिए, उसको नोट्स बनाइए, अगर नहीं बना पाए अभी तक तो उसको नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने से आपको देखेंगे कि आगे चल के बहुत फायदा होगा।
और मिलते हैं अपने मंडे की क्लास में, जिसमें मैं आपको रीजनिंग का जो एनालॉजी पढ़ाया था उसका सेकेंड पार्ट बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।